बास गोयल। कहाँ से आए? पंजाबी बास नई दिल्ली। अच्छा सर, आप यहाँ दिल्ली से इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं पितृपक्ष पिता का वो करने, पिंडदान करने, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ सुविधा बहुत बढ़िया है, इंतजाम बहुत बढ़िया है, पुलिस का लगा लो या ये प्रशासन का लगा लो, बहुत बढ़िया इंतजाम है, कोई किसी को तकलीफ नहीं होने देते, कोई सबको बराबर का व्यवहार, ये नहीं कि मेरा जानने वाला नहीं, जो भी है सब लाइन में आ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी की नहीं है। प्रशासनिक कार्य बहुत बढ़िया है, जीवन टू पुलिस वाले जो स्टाफ है सारे के सारे बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हमें सुना था कि बिहार में लूट लेंगे, ऐसी लूटने वाली कोई बात हमें नजर नहीं आई, सबका बढ़िया काम, बढ़िया तरीके से दस्तर जो बढ़िया तरह से पूजा कराई उन लोगों ने, उनका बड़ा सहयोग है, मैं कहता हूँ उनके बहुत आभारी हैं। इन लोगों की, प्रशासनिक पुलिस की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। अच्छा सर, आपको ऐसा लगा था दिल्ली से आगे बिहार में ऐसा व्यवस्था मिलेगा देखने को? मुझे तो बहुत, मैं तो पहली बार आया हूँ गया के अंदर, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नहीं, ऐसा लगा था, आपने सोचा था कि ऐसा व्यवस्था मिलेगा? सुना था, देखा मैंने, नहीं सुना था कि बिहार में गड़बड़ है कुछ है, मगर मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं है किसी किस्म का भी, इवन टू पॉकेट भी है, लोगों की जेब भी है, कोई किस्म का कोई यहाँ पर हमें नजर नहीं। आप संतुष्ट हैं यहाँ का? बिल्कुल संतुष्ट है, मैं कह रहा हूँ ऐसे पुलिस वाले प्रशासनिक ऐसा कार्य करते रहे, इनको तो दिन दुगनी रात चौगनी इनको परमात्मा उम्र बढ़ाए और सद्बुद्धि दे। बाईपास गुगरी टन बाईपास राजकुमार नगर से आए हैं। आज का जो दिन है उसके लिए क्या कहेंगे, कितना बड़ा दिन मानते हैं आज को? आज का दिन हम लोग के लिए खास दिन है, अपने पितरों को हम लोग जल अर्पण करते हैं, जो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए हम लोग आस्था मानते हैं, और साल भर के लिए उनको हम लोग अपने स्तर से अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं। जी आज के दिन तो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत दिनों के बाद आज जो है कि शनिवार और महा जो है आपको आया है समय, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन सभी पुण्य तिथि जो है सभी लोग शुरू से जो जल नहीं देते हैं अमावस्या तिथि को आकर जल देते हैं, अपने पितरों को जल की प्राप्ति के लिए, अपना वंशावली के लिए, पितृ दोष मुक्ति के लिए गया जी में फल्गु गंगा में आकर जल देते हैं कि हमारे पितृ से उद्धार हो गए और पितृ को दोष जो है मुक्ति हो गई, पितृ दोष मुक्ति के लिए जल दिया। फल्गु नदी में आज के दिन बहुत पुण्य माना गया है, इसलिए कि जो है स्नान करके अमावस्या तिथि को लोग जल देते हैं अपने पितर जी, और शनिवार भी है उनको जो है ना ग्रह गोचर के लिए भी लोग कुछ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। हम नेपाल से आए हुए हैं, ये सुनने में लगा कि जब गया में आके पिण्ड तर्पण करेंगे श्राद्ध करेंगे तो पितृ का श्राप जो है वो श्राप से मोक्ष हो जाएंगे और पितृ अपना वैकुंठ में चले जाएंगे, ये सुन करके ये फल्गु नदी के किनारे पे आ करके मैंने भी श्राद्ध किया, अपने आप अपना पुस्तक पढ़ के अपने आप श्राद्ध अपना पितृ का किया, खुद ही किया। अच्छा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बहुत से पंडित जी हैं वो पंडित जी लोग भी अपना अपना तरीके से श्राद्ध करते हैं, उसके लिए धन्यवाद है, कोई तो अपना धंधा भी बनाते होंगे, लेकिन जो पितृ का श्राद्ध तर्पण करके जो पितृ उद्धार करने के लिए जो भी आते हैं वो आने के लिए सबको धन्यवाद, क्योंकि इधर आने से सबको पितृमोक्षी होते ही है, क्योंकि ये भारतवर्ष बहुत बड़ा पुण्य भूमि है और यहाँ गंगा जी का जल जो फल्गु नदी के ये किनारे पे गंगा जी का जल लागे जो रखा हुआ है ये भी शानदार है, देखने में बहुत सुंदर भी है, ये एक पर्यटक स्थल भी बनी है और पितृ का जो श्रद्धा है पितृ उद्धार हुआ करके जो मन में श्रद्धा आता है वो उसी श्रद्धा से जब श्रद्धा कम ना करके करते हुए अगर श्राद्ध करेंगे तो पितृ का जरूर पितृ मोक्ष होंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे। पहली बार आया पहले तो हम इधर नारायणगढ़ हमारा घर है, नारायणगढ़ से नारायणगढ़ गैनाकोट हमारा घर है, वहाँ से हम वो क्या सुनौली ना आकर इधर क्या नाम है अपना बीरगंज के सामने असी आए हैं मंडी गोविंदगढ़ से, विजय गुप्ता दा उरे लंगर खाया बहुत वधिया सी, समोसे कचोरिया रोटी दाल फुलका परौंठी बहुत अच्छी सी, जेड़ा लंगर लगांदे ने बहुत वधिया, भगवान दी इन्हां ते पूरी कृपा है।